Hey guys and welcome back to Beast Car Details. So आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द ऑल न्यू BMW 5 सीरीज 530D M Sport. तो इस वीडियो में हम डिटेली बात करने वाले इस गाड़ी के बारे में. उससे पहले अगर आप चैनल पर आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिस बेल कॉल कर दीजिए. चलिए शुरू करते हैं. तो कुछ ऐसे फ्रंट लुक दिया गया है BMW 5 सीरीज 530 DM स्पोर्ट पे. कुछ ऐसे कीज दिया गया है BMW टिपिकल डिज़ाइन में. आपको लॉक अनलॉक रियर टेलगेट एंड फीचर के लिए दिया गया है. साइड में आपको मिल जाता है M स्पोर्ट का ट्रिम. BMW 5 सीरीज में आपको डिस्प्ले की भी आता है. इधर आपको मिल जाता है BMW का लेजर लाइट्स. डुअल प्रोजेक्टर सेटअप से मिलता है आपको. ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिया गया है इसमें. इसका जो रेंज है 650 मीटर्स तक का रेंज है. जो ब्लू कलर एलिमेंट दिख रहा है आपको पूरा लेजर लाइट्स है BMW का. आपको मिल जाता है DRL. इधर आपको दिया गया है BMW का लोगो. बोनेट पे दिया गया है स्क्रीज लाइंस. BMW 5 सीरीज में आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा विथ 360 डिग्री सेंसर्स. मिल जाता है फ्रंट पे BMW का किडनी ग्रिल्स. नो ब्रेक सेक्शन. इधर आपको मिल जाता है एयर इनटेक के लिए. पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है. कुछ ऐसा आपको साइड प्रोफाइल दिया गया है. एंड ये आ गया मशीन कट या डायमंड कट अलॉय व्हील्स. इधर आपको मिल जाता है ब्लू कलर में कैलिपर्स विथ M स्पोर्ट बैजिंग. इसका जो टायर साइज दिया गया है वो है 245x45 R18 इंच का आपको दिया गया है. इसमें आपको M स्पोर्ट एंड का बैजिंग ज़्यादातर मिलेगा गाड़ी पे. इधर भी आपको M स्पोर्ट का बैजिंग दिया गया है. इधर आपको मिल जाता है एयर इनटेक के लिए. मिरर पे आपको कैमरा दिया गया है 360 डिग्री कैमरा. ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओरियम्स दिया गया है डुअल टोन. इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा नीचे. इंडिकेटर के लिए दिया गया इधर. सो आपको पिलर पर पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है. ये वाला मॉडल में आपको टोटली पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है M स्पोर्ट वाला मॉडल में. नॉर्मल वेरियंट पर आपको पूरा क्रोम दिया जाएगा. काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है. साइड क्लैडिंग्स. आगे रियर टायर ब्लू कलर में कैलिपर्स दिया गया है. M स्पोर्ट के बैजिंग BMW का लोगो. 245x45 R18 इंच का आपको अलॉय व्हील्स दिया गया है. चलिए अब रियर साइड चलते हैं. काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है. रियर स्पोर्टी लुक्स मिल जाएगा आपको रियर में. 530D का बैजिंग दिया गया है. तो मिल जाएगा BMW का लोगो. एंड यह आ गया रियर टेल लैम्प. LED टेल लैम्प्स मिल जाएगा आपको. इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है. इधर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर्स विद पार्किंग सेंसर. ऊपर मिल जाएगा आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा आपको. डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है. इधर आपको दिया गया लाइसेंस प्लेट का लैम्प्स LED में दोनों साइड. इधर आपको मिल जाता है कैमरा. 530 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है. 40-20-40 स्प्लिट सीट्स दिया गया है. इसके अंदर आपको एक स्पेयर व्हील दिया गया विद टूल किट. इसके अंदर कुछ स्पेस.
इस साइड आपको एक फर्स्ट एड दिया गया है विद कुछ स्पेस दिया गया है इसके अंदर, फर्स्ट एड का किट दिया गया है। इधर से आप सीट को स्प्लिट कर सकते हो 40-20-40। चलिए अब टेलगेट बंद कर लेते हैं, इधर से आप बंद कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं इंजन साइड। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में जो आपको BMW 5 सीरीज में दिया गया है। जो ये वाला मॉडल है 530D M Sport, इसमें आपको 3 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो पावर ये जनरेट करता है 265 BHP एंड 600 Nm ऑफ टॉर्क। दूसरा इंजन है 530i M Sport जो है पेट्रोल इंजन, इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो जनरेट करता है ये पावर 252 BHP एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। तीसरा इंजन दिया गया है 520D जो है डीजल इंजन, इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है 190 BHP एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क। ये था पूरा 3 इंजन ऑप्शंस के बारे में। BMW 5 सीरीज रियर व्हील ड्राइव के साथ आता है, इसमें आपको 5 ड्राइव मोड्स दिया गया है जैसे आपको स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट प्लस, कंफर्ट, इको प्रो मोड एंड अडैप्टिव, एंड ये लॉन्च कंट्रोल के साथ आता है। इसमें आपको 5 मीटर लेंथ दिया है गाड़ी का एंड 1.5 मीटर हाइट। BMW 5 सीरीज में जो आपको फीचर्स दिया गया है 7 एयरबैग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, क्रैश सेंसर, रन फ्लैट इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा, रिमोट कंट्रोल पार्किंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इमोबिलाइजर, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंटिंग, पार्किंग असिस्टेंट एंड 3 सीट बेल्ट जैसे फीचर्स आपको इसमें दिया गया है। चलिए अब चलते इंटीरियर साइड। ऊपर दिया गया सनरूफ, बॉडी कलर डोर हैंडल्स। चलिए डोर को खोल लेते हैं। सो इसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर्स दिया गया है, इधर आपको पूरा ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ कॉन्स्ट्रक्टिंग स्टिचेस दिया गया है, एमुलेटिंग मिल जाएगा आपको इसमें, वुडन फिनिश, ब्राउन कलर का आपको लेदर दिया गया है इस पर। तो पूरा आपको कंट्रोल्स मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल वॉल्यूम्स का, पावर विंडोज का कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर सनब्लेंड का कंट्रोल दिया गया है। इसमें आपको मिल जाता है 16 स्पीकर्स का, 460 वाट का हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम दिया गया है, स्पीकर दिया गया हरमन कार्डन का, रियर टेलगेट का स्विच, कुछ स्पेस, कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड का व्यू दिया गया है। सो ये आ गया इधर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, इधर आपको मिल जाता है 12 एडजस्टेबल सीट्स दिया गया है। इसमें आपको 2 मेमोरी सीट का फंक्शन दिया गया है लंबर सपोर्ट के साथ। इधर आपको मिल जाता है एम स्पोर्ट का स्कफ प्लेट, इधर नीचे आपको एक डेड पेडल, ब्रेक एंड एक्सीलेटर दिया गया है, इसके अंदर कुछ स्पेस मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाता है हेडलैम्प्स रिलेटेड कंट्रोल्स, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। इधर आपको एसी वेंस, एमुलेटिंग दिया गया है, एंड ये आ गया स्टीयरिंग व्हील। इधर आपको एम स्पोर्ट का बैजिंग मिल जाएगा स्टीयरिंग में। इधर आपको BMW का लोगो दिया गया है विथ एयरबैग के बैजिंग। इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आपको वॉल्यूम सेलेक्ट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, एंड इस साइड आपको मिल जाता है पेडल शिफ्टर्स दोनों साइड, प्लस माइनस, वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाएगा इस साइड। उस साइड आपको मिल जाता है इंडिकेटर रिलेटेड कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑट ऑफ का बटन दिया गया है, स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स दिया गया है। इधर आपको मिल जाता है आई ड्राइव कंट्रोल सिस्टम, इधर पूरा आपको एमुलेटिंग दिख रहा होगा, एंड ये आ गया ऑटोमेटिक एसी विंस, 4 जोन एसी विंस मिल जाएगा आपको इसमें,
पूरे एसी में इसका कंट्रोल्स दिया गया है। इधर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का पैड नीचे दिया गया है, कप होल्डर का स्पेस दिया गया है, एंड यह आगे 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड, इको मोड, अडेप्टिव का दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा का सेंसर्स का दिया गया है, इधर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का, द हॉट होल्ड का बटन दिया गया है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, एंड इस साइड आपको आईड्राइव का रिलेटेड कंट्रोल्स दिया गया पूरा, मीडिया, मेन्यू, मैप, नेविगेशन। ऊपर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, जो लाइट्स दिया गया है, एंड इस साइड भी आपको लाइट्स दिया गया है हैलोजन रूप साथ। इधर आपको सनरूफ का कंट्रोल्स दिया गया है, जैसे आप सनरूफ खोल सकते हो। इस साइड आपको दिया गया है एक और वैनिटी मिरर विद लाइट्स। इधर आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा आपको, इसमें आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया अंदर। इधर आपको एक लैंप मिल जाएगा अंदर, हेडलाइट लाइट का बटन दिया गया है इधर, एंड ये आ गया BMW का वर्चुअल कॉकपिट। मोड्स के अकॉर्डिंग इसका कलर भी बदल जाता है डिस्प्ले का, स्पोर्ट मोड, इको मोड, इधर आपको एयरबैग का बैजिंग दिया गया है, साइड कटिंग एयरबैग्स का, टोटल इसमें आपको 7 एयरबैग्स दिया गया है, वुडन फिनिश मिल जाएगा डैशबोर्ड पे। इधर आपको इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है, जैसे आप बंद कर सकते हैं उसको। इधर भी फूड एंड फिनिश मिल जाएगा आपको, इधर आपको मिल जाता है ग्लोव बॉक्स, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब सुनते हैं म्यूजिक साउंड सिस्टम। काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं रियर सीट पे। इधर भी आपको दिया गया है सेम फिनिश, इधर आपको सन ब्लाइंड भी मिल जाएगा, इधर आपको एम्बिएंट लाइटिंग दिया गया है, क्रोम डोर हैंडल्स,
इधर आपको टेटर्स मिल जाता है, नीचे आपको स्पीकर, पावर विंडोज कंट्रोल, ग्रैब हैंडल्स मिल जाएगा, स्पेस दिया गया बॉटल कप होल्डर का। व्यू दिया गया है सीट, रियर सीट का। इधर आपको मिल जाता है कप होल्डर्स आर्मरेस्ट में। अच्छा स्पेस गाड़ी में। एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। ऊपर आपको लैंप्स दिया गया है रजन मार्ग के साथ। ब्लेंड के लिए भी दिया गया है पीछे। 40-20-40 स्प्लिट सीट्स दिया गया है। इधर आपको सनब्लेंड मिल जाता है दोनों डोर्स पे। रियर पैसेंजर के लिए इधर आपको मिल जाता है हैंगर, कपड़ा टांगने के लिए हैंगर दिया गया है इसमें। एंड उस साइड आपको मिल जाता है टैबलेट के लिए दिया गया है, कुछ भी लगने के लिए स्क्रीन। एंड रियर एसी विंड्स दिया गया उधर। एंड स्पोर्ट कप को उसका प्लेट मिल जाएगा। ये था पूरा डिटेल्स अबाउट द ऑल न्यू BMW 5 सीरीज 530D M Sport। उससे पहले अगर आप चैनल पर रिवाइव तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिस बेल कॉल कर दीजिए। मिलता हूं सब लोग के साथ एक नया वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।